दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, देखो रेटिंग 20 के भी है, ट्वेंटी के लिए 2000 बाई 200 वोल्ट, 2000 बाई 200 वोल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इज यूज्ड एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर या स्टेप ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज किया है, ठीक है, स्टेप ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, विद विद कॉन्स्टेंट सोर्स वोल्टेज, विद कॉन्स्टेंट सोर्स वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट एट फुल लोड यूपीएफ यूनिटी पावर फैक्टर कैलकुलेट द पावर आउटपुट कॉमा पावर ट्रांसफॉर्म्ड पावर कंडक्टेड इफ द एफिशिएंसी ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर एट रेटेड लोड एंड 0.8 PF इज 95%, फाइंड द ऑटो ट्रांसफॉर्मर efficiency at same load and power factor. तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सब लोगों को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, क्या रेटिंग है 20 KVA और कितने बाई कितने का है 2000 का वोल्टेज इस तरफ है और 200 का इस तरफ है, इधर ये डॉट पोलैरिटी हमने मान ली, ठीक है, तो 2000 20 KVA का है तो 2000 वाली साइड आपकी रेटेड करंट कितनी हो गई 10 एम्पियर और 200 वाली साइड आपकी रेटेड करंट कितनी 10 एम्पियर, ठीक है, 100 एम्पियर, ठीक है, अब क्या करना है इसको, हमें क्या किस तरह का ट्रांसफॉर्मर बनाना है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप बनाना है, तो स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, और उसमें ये कंडीशन भी गिवन है कि इनपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए 2000, सोर्स वोल्टेज कितना है 2000 वोल्ट, तो 2000 वोल्ट से 200 वोल्ट 2200 वोल्ट बनाना है, यही तो पॉसिबिलिटी रह गई, तो जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है 200 वोल्ट वाली वो कहाँ कनेक्ट करने है, इसके ऊपर कनेक्ट कर देंगे, तो ओवरऑल कनेक्शन आपका कैसे दिखेगा, तो यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना हो गया, ठीक है, 2000 वोल्ट,
इधर का वोल्टेज आपका 2000 वोल्ट और इधर 200 ऊपर वाली वाइंडिंग का टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 2200 वोल्ट। अब ये स्टेप अप बन गया, ठीक है। अब ये बताओ इस वाइंडिंग में कितनी करंट अंदर जा रही है 2000 वाली में, 10 एम्पियर, ठीक है। डॉट इधर है और इसका डॉट इधर होगा, ठीक है। 10 एम्पियर इसमें अंदर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ कितनी जा रही है 100 एम्पियर। टोटल करंट इनपुट से कितनी आएगी 110 एम्पियर, ठीक है। आउटपुट करंट कितनी होगी इसकी 100 एम्पियर, सही है। इसका मतलब इसकी रेटिंग कितनी हो गई, अब रेटिंग 110 एम्पियर इनपुट करंट इनटू 2000 इनपुट वोल्ट, ठीक है। कितनी हो गई 220 केवीए। 20 केवीए का ट्रांसफॉर्मर कितने का हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसका, 200 2200 वोल्ट है आपका सेकेंडरी साइड और करंट कितनी है 100 एम्पियर, तो टोटल रेटिंग इसकी कितनी हो गई 220 केवीए, ठीक है। दोनों केस में आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दोबारा क्या कैलकुलेट करना है। पहला तो कैलकुलेट लोड क्या लगाया है इस पे, फुल लोड की कंडीशन में फुल लोड कितना होगा 220 केवीए फुल लोड होगा। ट्रांसफॉर्मर को कैसे कनेक्ट किया आपने, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तरह कनेक्ट किया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर को कैसे कनेक्ट किया है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तरह कनेक्ट किया है फुल लोड के केस में। तो फुल लोड कितना हो गया इस बार 220 केवीए एंड यूनिटी पावर फैक्टर कितना पावर फैक्टर है तो 220 केवीए ही बना, ठीक है। 220 केवीए की करस्पॉन्डिंग सारी करंट होंगी। कैलकुलेट द पावर आउटपुट, तो अब पावर आउटपुट 220 केवीए के केस में पावर आउटपुट कितना आ जाएगा, पी आउट इज इक्वल टू केवीए कॉस फाइव। तो केवीए कितना है 220 इंटू पावर फैक्टर 1, 220 किलोवाट पावर आउटपुट आ गई, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करना है, करंट्स कैलकुलेट करनी है, पावर ट्रांसफॉर्म पावर कंडक्टेड। तो पावर ट्रांसफॉर्म कितनी होती है टोटल की और पावर कंडक्टेड कल बताया था एक 1 माइनस k टाइम्स होता है टोटल का और एक k टाइम्स होता है। तो कौन सा k टाइम्स होगा, कौन सा 1 माइनस k टाइम्स था। कंडक्टेड कितना था, ट्रांसफॉर्म्ड आपका पक्का, ट्रांसफॉर्म्ड आपका 1 माइनस k टाइम्स रहेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड कितना आ रहा था 1 माइनस k टाइम्स, तो ट्रांसफॉर्म्ड पावर कितनी हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड पावर 220 किलोवाट इनटू 1 माइनस k, एंड k इज लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज कितना है 2000, हाई वोल्टेज कितना है 2200, तो 220 केवीए इनटू 1 माइनस 2000 बटे 2200, या करंट्स की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पावर कितनी हो गई इसमें, सेम डायग्राम से यूनिटी पावर फैक्टर है तो कोई ज्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत होगी नहीं। 100 एम्पियर एंड 200 वोल्ट कितनी आ गई 20 केवीए, तो ट्रांसफॉर्म वही रहेगी जो ओरिजिनल टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर था, सही है, क्लियर है। आपकी बाइंडिंग का अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर कौन सी, जो लोअर पार्ट है बाइंडिंग का और जो अपर पार्ट है, दोनों में जो पावर जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू या म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, वो कौन सी रहेगी इस वाइंडिंग में, इस पर्टिकुलर वाइंडिंग में और इसमें, आपस में क्या पावर का बैलेंस बनेगा 2000 इंटू 10, ये ट्रांसफॉर्म होगी कितने में 200 इंटू 100 में। तो ट्रांसफॉर्मर पावर कितनी हो गई आपकी यहां से 20 केवीए, जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर वाली थी टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर वाली। तो ट्रांसफॉर्म पावर कितनी आई यहां से आपकी 20 केवीए, सही है। इस कैलकुलेशन से आ रही 1 माइनस k वाली से, ठीक है, सेम ही आ रही है। इसका मतलब 220 केवी पावर नहीं है, एक्चुअली केवीए नहीं है, पावर लिखना है किलो वॉट। और अब कंडक्टेड पावर क्या कितनी हो गई यहां पे, कंडक्टेड पावर कितनी हो गई 220 किलोवाट में से 20 किलोवाट आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की थ्रू जा रही है, तो डायरेक्टली कंडक्ट कितनी हो रही है 200 किलोवाट, 200
किलोवाट कंडक्शन के थ्रू जा रही है। ज्यादा पावर किस तरीके से जा रही है आपकी, कंडक्शन के थ्रू, ठीक है। के टाइम्स आप करोगे तो अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करवा रहा है, एफिशिएंसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की गिवन है आपको, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी गिवन है, लोडिंग गिवन है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, ईटा इज इक्वल टू कितना है, 0.95, एट दैट इज इक्वल टू पी आउट अपॉन पी आउट प्लस पी लॉसेस, ठीक है, फुल लोड की कंडीशन में, ठीक है। सॉरी, इसमें कितना लोड है, फुल लोड की कंडीशन है, ठीक है, फुल लोड है, तो 0.9 इज इक्वल टू पी आउट कितना है, केवीए कॉस फाइव, केवीए कितना है ओरिजिनल ट्रांसफार्मर का, 20 केवीए, तो 20 केवीए एक्स वन है, फुल लोड की कंडीशन है, तो एक्स क्या होगा, वन हो जाएगा, तो 20,000 इंटू 0.8 पावर फैक्टर कितना है, तो पी आउट इतना हो गया 20,000 इंटू 0.8 प्लस पी लॉसेस, पी लॉसेस में दोनों आ गए, ठीक है, पी लॉसेस दोनों आ गए, पी लॉसेस कितने आए यहां से बताओ, कैलकुलेट करके सब जल्दी से, पी लॉसेस कितने आ गए, एफिशिएंसी 0.95 है ना, पी लॉसेस कितने आए, 8 842.1 वॉट आपके टोटल लॉसेस इतने आ गए, ठीक है। अब यही लॉसेस का यूज करना है, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में आ गया आपके लॉसेस, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। अब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हमने कनेक्ट किया किस तरह से, ऑटो ट्रांसफार्मर की तरीके से, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या लिखा हुआ है, किस कंडीशन में हमको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, ऑटो ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी एट सेम लोड मींस फुल लोड, ठीक है, एंड पावर फैक्टर, लोड फुल लोड है, पावर फैक्टर क्या है इसमें 0.8, इसी कंडीशन में हमको ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालनी है। बट इस बार ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए कितनी है, 220 केवीए, बट करंट उतनी है, केवीए अगर 220 है लोडेड, इसका मतलब करंट उतनी ही है बाइंडिंग्स में, मतलब कॉपर लॉस उतने ही है, वोल्टेज भी बाइंडिंग्स पे उतने ही अपियर हो रहे हैं, जो लो वोल्टेज वाली बाइंडिंग है उस पर 200 वोल्ट जा रहा है और जो आपकी हाई वोल्टेज की बाइंडिंग है उस पर 2000 वोल्ट जा रहा है, इसका मतलब आपके कोर लॉस भी चेंज नहीं हो रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, केवल कनेक्शन आपका बदल गया है, तो कनेक्शन बदलने से लॉसेस पे फर्क नहीं पड़ा, ओवरऑल पावर पे फर्क पड़ा है, ठीक है। तो ओवरऑल अब पी आउट इस ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर लिख के निकाले इसको, फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे निकालेंगे, P out is equal to KVA cos phi, तो KVA कितना है इस केस में भी, 220 KVA आ गया, cos phi कितना हो गया, 0.8, कितना आ गया, 220 into 0.8, 176, ठीक है, 176 किलोवाट आ गई इस बार पावर, ठीक है। अब देखो आउटपुट निकालते, एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर कितनी आ रही है, 176 किलोवाट, ठीक है, 176,000 वॉट, ठीक है, अपॉन पी आउट 176,000 वॉट, और लॉसेस कितने हैं आपके, कितने हैं, 842.1, ठीक है, 1, तो एफिशिएंसी ऑटो ट्रांसफार्मर की देखो कितनी आई यहां से, 0.995, एक और डिजिट, ठीक है। तो अगर परसेंटेज एफिशिएंसी बोले ऑटो ट्रांसफार्मर की तो कितनी आई, 99.52%, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का ऑर्डर देख लो,
जितना आपकी k की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी, सॉरी k की जितनी वैल्यू लार्ज रहेगी उतनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी आएगी उस केस में, ठीक है। तो आपने देखा 95% रेटेड कंडीशन में एफिशिएंसी थी आपके टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, और सेम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को जब आपने कनेक्ट किया एज ऑटो ट्रांसफार्मर तो एफिशिएंसी क्या हो गई 99.5%, ठीक है। तो एफिशिएंसी एनॉर्मस रहती है ऑटो ट्रांसफार्मर क्योंकि लॉसेस होते ही रहेंगे लेकिन पावर हैंडलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। गिवन की के जितना लार्ज होगा और के जितना स्मॉल होगा पावर हैंडलिंग नियर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो सबको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन।